देखिए गाइस, हम आ चुके हैं मुंबई में चाट दुकान पर। बहुत ही अच्छा चाट बना था ये। गांव में हम लोग चाट खाए लेकिन यहाँ पे तो चाट नहीं खाया, इसलिए मैं सोचा आपको भी दिखा दूँ। बहुत ही अच्छा चाट बना। चाट भाई ऐसा बना था ना कि उंगली चाटते रह जाएगा। विजय भाई, हाँ भाई, विजय भाई, चाट बनाने का कितने साल से एक्सपीरियंस है? चार साल का एक्सपीरियंस है चाट बनाने का। सही है। और ये यूपी वाले भैया है, और यूपी वाले भैया हैं, बेहतरीन चाट बनाते हैं। अपना इधर गया गाइस, देखिए चाट बनाने का धंधा इन्होंने शुरू किया। डेली का कम से कम मार देते हैं 4-5 हज़ार का धंधा। मीडियम चाहिए, मीडियम का इसका मीडियम रखना। देखिए इनका चाट बेहतरीन चाट बना रहे हैं। देखिए अभी चाट में क्या क्या डालेंगे वो भी देखिए। हल्का तीखा बनाना भाई, आंधा मीधा सब मार के मजबूत। पूरी बिठा रहे हैं। आज चाट मिल गया, टेस्ट करें जरा। अभी ये देखिए कितना वाह, मजा आया। बिंदु का चाट भी तो है, मज़ा तो आएगा। उत्तम है गाइस, मज़ा आ रहा है। चाय खा के हमें तो बहुत मज़ा आया, लेकिन पहले ये 10 रुपये का देता था, अभी 20 रुपये का दे रहा है। जब 10 रुपये का देता था तो इसका रोज़ का आमदनी था 3 से 4 हज़ार, अभी 20 का दे रहा है तो लग रहा है कि मेरे को 8-9 हज़ार 10 हज़ार चला जाता होगा। तो गाइस बिजनेस में फ़ायदा है, तो इसलिए आज जो भी कीजिए खुद का बिजनेस कीजिए, अर्निंग भी खुद की होगी। अभी आप मंथली कमाएंगे उतना कंपनी में, वो एक दिन का बंदा कमाता है वो उतने छोटे से सेटअप में, और बहुत बिकता है इसका। 20-20 का सोचिए, अगर 5 लोग खा लिए हो गया ना 100 रुपये, ऐसे तो ये मार देता है बाजी। 7-8 हज़ार इसका हो जाता है, हमको बताया था एक दिन, हमें तो भी अच्छा लगा इसकी गाइस। ये आता है शाम के 3-4 बजे आता है, धंधा लगाता है, और इतने घंटे में 10-11 बजे तक बनाता है। इतने ही घंटों में वो बना के चला जाता है 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक पर डे का। और इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए 8 हज़ार से तो उसकी मंथली इनकम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं 8-7 पकड़ूँ तो भी 8 पकड़ा जाए तो 2,40,000 हो जाता है। तो सोचिए छोटे से सेटअप में वो कितना कमा रहा है। तो अभी खुद का बिजनेस कीजिए, बिजनेस में ही पब्लिक को चाहिए छूती है, ठीक है गाइस। हाँ तो जैसा अमित बता रहा है सुनिए जरा गाइस। ये बंदा है प्रयागराज यूपी का, और ये बता रहा था हमको एक दिन कि जब मैं पहली बार लगाया था तो म्यूनसिपालिटी आई थी और मेरा सारा सामान उठा के लेके चली गई थी, क्योंकि म्यूनसिपालिटी को यहाँ पे पैसा चाहिए हर मंथली, तो ऐसा वो करते। तो जब ये दूसरी बार लगाया तो 2,000 रुपये उन लोगों को दिया, और फिर मंथली इसको 2,000 रुपये पे करना पड़ता है, और बाकी ये लगा सकता है। और एक अच्छी बात यह है कि बारिश के टाइम इसको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि बारिश के टाइम जो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जो भी है 4 महीने तक इसको कोई पैसा नहीं देना है, ऐसे ही लगाना है बस और अर्निंग करनी है। लेकिन ये भी बात है, म्यूनसिपालिटी का हक नहीं है कि आके पैसा मांगे मंथली, क्योंकि भाई इतना मेहनत कर रहा है, लगा रहा है धंधा, कमाई हो लॉस हो सब उसको सहना है, क्योंकि तो खाली प्रॉफिट से मतलब है।